नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। कार्तिक आर्यन ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 से धमाका कर दिया था, जहां बॉलीवुड सुपरस्टार्स की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी, तो वहीं कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 2 ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। रूह बाबा बनकर कार्तिक आर्यन की फिल्म ने बॉक्स कलेक्शन पर बिल्कुल ही तहलका मचा दिया था। भूल भुलैया 2 की सक्सेस ने कार्तिक आर्यन को दर्शकों ने बॉलीवुड की हिट की गारंटी तक बता दिया था। सोशल मीडिया पर अब कार्तिक की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 का खुमार अभी लोगों के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि फिल्म की तीसरे पार्ट को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जी हाँ, भूल भुलैया के फैंस के लिए अब एक गुड न्यूज सामने आई है। भूल भुलैया 3 का टीजर इंटरनेट पर आउट हो गया है और भूल भुलैया 3 के टीजर को फिल्म के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया है, जिसमें भवानीगढ़ की हवेली की झलक देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में कार्तिक आर्यन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या लगा कहानी खत्म हो गई है, दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकि एक दिन फिर से खुल सके। वहीं चेयर पर कार्तिक आर्यन रूह बाबा वाले कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं और आमी जे तुम्हार गाने को गुनगुनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भूल भुलैया 3 में कार्तिक एक बार फिर से अपने रूह बाबा वाले अवतार में दर्शकों को डराने और हंसाने आएंगे। भूल भुलैया 3 अगले साल 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। वहीं जहां भूल भुलैया 3 के ऐलान के बाद से कार्तिक आर्यन के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी जल्दी फिल्म तीसरे पार्ट की घोषणा ने नेटिजंस का दिमाग घुमा दिया है। टीजर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर जैसे यूजर्स कार्तिक की तुलना अक्षय कुमार से करना भी शुरू कर दिए हैं। अक्षय कुमार का नाम लेकर लोग जमकर अब कार्तिक के मजे ले रहे हैं। जहां टीजर वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है, ये तो अक्षय कुमार से भी फास्ट निकला, तो वहीं दूसरे ने कमेंट किया है कि हम अक्षय को इस फिल्म में वापस चाहते हैं, तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है, दूसरे भाग के टीवी पर प्रसारित होने के बाद भी देखने का मन नहीं किया और ये शहजादे तीसरा भाग भी बना दिए हैं, तो वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि इसका ओवर कॉन्फिडेंस जल्द से जल्द ही जाएगा, उसे लगता है कि ये मूवी भी सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन ये तो था नेटिजंस का कहना, लेकिन भूल भुलैया 3 के ट्रेलर देखने के बाद आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।